गली की 25 साल पुरानी सरकारी नाली को बंद कर दे रहे हरिजन एक्ट लगाने की धमकी। कॉलोनी वासी पहुंचे कलेक्टर के पास। खबर गणेश कॉलोनी फतेहपुर से आ रही है। यहां रहने वाले कॉलोनी वासियों ने आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देते हुए बताया कि साहब, हमारी गली में पिछले 25 सालों से नाली का निकास था, जिसको विगत दिनों से अरविंद अवधेश जितेंद्र उर्फ बल्लू सगर ने बंद कर दिया है। जब हम कॉलोनी वासी उससे इस बारे में बात करने गए तो उनके द्वारा हमें गालियाँ दी गई, हरिजन एक्ट लगाने की धमकी दी गई। इसकी शिकायत हमने पूर्व में भी SDM CMO से की, जिसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। इसके कारण हम कॉलोनी वासियों को गंदगी का सामना करना पड़ता है। ना पिछले 8-10 दिन से घूम रहे हैं, बट कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारी गली में 25-30 घर हैं, उनका पानी एक ही मेंबर ने रोक रखा है। सब लोग आ जाएंगे और रास्ता भी है, बट रास्ते का वो तो कर रहे हैं, लेकिन ना रास्ता पानी को निकलने के लिए नहीं दे रहे। कौन है वो जिसने पानी रोक रखा है? मतलब जाटव है, उनका घर पूरी फैमिली है, वो कोई भी पानी निकलने नहीं दे रहे। 25 साल से रास्ता, और अभी का नहीं है वो तो 25 साल हो गए कॉलोनी बसे हुए। तो कितने दिन हो गए कॉलोनी बसी है, जब ही से उधर ही जा रहा है पानी। अब वो कह रहे हैं कि हमारे घर में पानी आ रहा है। मैं बोल दिया कि निराकरण हो जाएगा, लेकिन हमारे 25 साल से जो नली चल रही थी वो नली बंद कर दी है। उधर रास्ता भी है और बिजली का प्लॉट भी है। उधर थोड़ी जो हरिजन एक्ट की बात भी आती है उसमें। अब हम कहा देखो, आम आदमी है, सब लोग रहते हैं, 25 लोगों के घर हैं, 25 लोगों के घर हैं, उन लोगों को सबको परेशानी है, 7 हजार के लोगों को।